हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोग पूरी ईमानदारी से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विंडो 2022 कैसे इंस्टॉल करें। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को रेफर करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इंस्टॉल किया था विंडोज सर्वर 2022 इवॉल्यूएशन वर्जन। जैसा कि हमें पता है कि इवॉल्यूएशन वर्जन केवल 180 डेज चलता है। 180 डेज के बाद आपको विंडो एक्टिवेट करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि जो हमारा इवॉल्यूएशन वर्जन है उसको फुल वर्जन में कैसे कन्वर्ट करें। तो विदाउट डिलो चले चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं कि हम विंडोज सर्वर 2022 को एक्टिवेट कैसे करेंगे, फुल वर्जन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, प्रायर नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोगों की स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। तो चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो ये हमारा विंडोज सर्वर 22 है, 2022, करेक्ट। नाउ यू कैन सी हियर कि ये इवॉल्यूएशन वर्जन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फुल वर्जन फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है, सो दैट कि हमारे हमें कोई लिमिटेशन ना मिले। देखिए, जैसे ही हमारा सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा ये ऑप्शन हट जाएगा आपको। ठीक है, और सबसे पहले जब आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो उसको ऑफलाइन कर लें, मतलब नेटवर्क को डिसेबल कर लें, करेक्ट। तो चलिए, हमने ऑलरेडी नेटवर्क डिसेबल कर रखा है, लेट मी शो यू। नेटवर्क हमने डिसेबल कर रखा है ऑलरेडी, तो चलिए ओपन करते हैं। और यहाँ पे आपको टाइप करना है DISM /online। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो करंट वर्जन है वो कौन सा है, उसके बाद चेक करेंगे जो करंट वर्जन है उसको कौन कौन से वर्जन में एज अ फुल वर्जन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्पेस गेट करंट एडिशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो करंट वर्जन है सर्वर स्टैंडर्ड इवॉल्यूएशन वर्जन है जो चल रहा है करंटली। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि इसको कौन कौन से वर्जन में फुल वर्जन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गेट टारगेट एडिशंस, तो नाउ यू कैन सी इसको हम सर्वर स्टैंडर्ड एडिशन एंड डेटा सेंटर एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मतलब फुल वर्जन में कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि इसको मैं डेटा सेंटर में फुल एडिशन कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कमांड है हमारा DISM ऑनलाइन सेट डैश एडिशंस एडिशन कॉमा सर्वर SERVER डेटा सेंटर
स्पेस प्रोडक्ट की, जब भी आप इसको फुल वर्जन में कर रहे हैं तो आपके पास की होना चाहिए, जैसा कि आपने परचेस किया होगा तो उसके साथ एक की मिलती है जिसके थ्रू आप उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की हम यहाँ पे की डाल देते हैं। स्पेस स्लैश एक्सेप्ट एक्सेप्ट इवोल्यूशन वर्जन ई इतना टाइप करने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना है एंटर। नाउ यू कैन सी स्टार्टिंग इंस्टॉलिंग प्रोडक्ट की, फिनिशिंग इंस्टॉलिंग प्रोडक्ट की, एडिंग पैकेज। सो वेट फॉर सम टाइम, इट्स टेक सम टाइम। फिनिश, नाउ यू कैन सी स्टार्टिंग ओनली एडिशन एफटी एडिशन फिनिशिंग अप्लाई रिस्टार्ट विंडो। आपको स्टार्ट रीस्टार्ट करना कंपलसरी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वाई करेंगे तो हमारी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। लेट अस सी आफ्टर रीस्टार्ट, चेक करेंगे कि क्या हमारा ये फुल वर्जन में कन्वर्ट हो चुका है या नहीं। Getting window ready, adding feature. हंड्रेड परसेंट कंप्लीटेड। ओके, तो हम लॉग इन कर लेते हैं, जो भी हमारा पासवर्ड है, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया हुआ है। ठीक है, लुक एट दिस, नाउ यू कैन सी हियर। ठीक है, वाटर मार्क्स नहीं आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही इवैल्यूएशन वर्जन का। ठीक है, अब यू कैन सी, चलिए एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं प्रॉपर्टीज एंड यू कैन सी हियर। विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर, करेक्ट। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि एक इवोल्यूएशन वर्जन को फुल वर्जन में कैसे कन्वर्ट करें। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरीज है आप लोगों की, सो यू कैन पुट अप इन कमेंट बॉक्स। आफ्टर दैट डेफिनेटली आई विल रिवर्ट टू यू। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे इस सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी कैसे बनाएं, डोमेन कंट्रोलर एज अ डोमेन कंट्रोलर कैसे यूज करें। आगे आने वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, तो देखना मत भूलना दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।